गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। आई एम फ्रॉम सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट निकोदर। यह लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में मटेरियल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ किया था और आज हम क्या है मटेरियल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मटेरियल बॉडी क्या है। ठीक है, जो फिजिकल जो हमारे अंदर जो है बॉडी में एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है जी, जैसे कि देखिए कि जो ह्यूमन बीइंग में जो है वर्किंग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, ह्यूमन बॉडी बहुत सारे पार्ट्स से बनी होती है, जैसे कि ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ठीक है जी, क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है हर पार्ट की एक दूसरे के साथ। ठीक, नेक्स्ट इज व्हेन ह्यूमन बॉडी ऑब्जर्व्ड क्लोजली इट डिस्क्लोजेस दैट एवरी सेल इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है जी, जब हम ह्यूमन बॉडी को क्लोजली ऑब्जर्व्ड करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हर एक सेल है हमारी बॉडी का वो क्या है ऑर्गेनाइज्ड है और उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बींग की बॉडी की सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज़ अंडरस्टूड डैट एवरी पर्सन इज अवेयर ऑफ आई एंड द बॉडी एंड इंडिविजुअल वेरियस एक्टिविटीज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द डे टू एंड इन्वॉल्व केयरफुल सिलेक्शन डिसीजन एंड कैरिंग आउट एन एक्टिविटी बाई अंडरस्टैंडिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आई विच परफॉर्म्स वेरियस एक्शन। ठीक है जी, क्या है कि ये हम हर एक पर्सन अवेयर होता है आई एंड बॉडी के बारे में, एक इंडिविजुअल की वेरियस जो एक्टिविटीज़ है पूरे दिन से जब दिन की शुरुआत होती है एंड तक उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, सिलेक्शन डिसीजन। ठीक है, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है, जो क्या है आई परफॉर्म करती हैं ये सारे जो एक्शंस होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको क्या है जो आई की कंसेंट से हम परफॉर्म करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर डैट बॉडी कैन नॉट सेलेक्ट डिसाइड एंड एग्जीक्यूट एनी एक्टिविटी विदाउट आवर इन्वॉल्वमेंट और परमिशन। ठीक है जी, ये हमें इम्पॉर्टेंट ये कंसीडर करना वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो बॉडी है वो अकेले ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकती, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती, एग्जीक्यूट नहीं कर सकती किसी भी एक्टिविटी को। इसमें क्या है हमारी इन्वॉल्वमेंट होना, हमारी परमिशन होना ज़रूरी है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। बॉडी और आई में मेन डिफरेंस यही है कि जो बॉडी है वो परफॉर्म करती है एक्टिविटीज़ और दूसरी साइड जो आई है जो सेल्फ है वो सिलेक्ट करता है, डिसीजन लेता है इन एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। ठीक है जी, अंडरस्टैंड करना बॉडी के, बॉडी जो है क्या कह रहे हैं कि बॉडी जो है उसको हम एज अ टूल यूज़ करते हैं आई के लिए, हम आई की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो बॉडी होती है उसको एज अ टूल लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज आई बी ड्योर। ठीक है जी, वैन द सेल्फ सीज एंड अंडरस्टैंड समथिंग इट विल बी आई हु डिसाइड वट इज़ टू बी डन एंड वट इज़ नॉट टू बी डन, हेयर आई बिकम्स द ड्योर। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जब हम देखते हैं किसी चीज़ को और उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम ही होते हैं जिन्होंने ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वट इज़ टू बी डन एंड वट इज़ नॉट टू बी डन। तो यहाँ आई जो होती है उसको हम ड्योर बोल देते हैं। ठीक है जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इफ़ आई सी अ ब्यूटीफुल सीन, ठीक है जी, मैंने ब्यूटीफुल सीन देख रही हूँ। ठीक है जी, देन इट इज़ अ हु आई डिसाइड वेदर टू टेक फोटोग्राफ ऑफ द सीन। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है जी, मैं एक ब्यूटीफुल सीन देख रही हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जिसने ये डिसाइड करना है, उस सीन को देख कर ये डिसाइड करना है कि मैंने इसकी फोटोग्राफ क्लिक करनी है कि नहीं करनी। ठीक है जी, एंड इफ आई डिसाइड, अगर मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने इस सीन की जो पिक्चर है उसको क्लिक करना है, तो उसके लिए क्या है मैं अपने जो है हैंड्स उस फोटोग्राफ को टेक करने के लिए मैं अपने हैंड यूज़ करूँगी। तो ठीक है ना जी, पता चल गया ना कि मैंने आई ने कोई चीज़ देखी उसके लिए हमने अपने हैंड्स को एज अ टूल माना। ठीक है, एज अ टूल हमने अपने हैंड को यूज़ किया। ठीक है क्लास, नेक्स्ट हमारा है आई बींग सियर। ठीक है जी, आई बींग सियर। ठीक है जी, पीपल आर इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटी लाइक सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग वेल वॉचिंग टेलीविजन, रीडिंग अ बुक, थिंकिंग और लिसनिंग टू समवन टॉक। इसमें क्या है कि पीपल जो है वो वेरियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जो जब टीवी वॉच करते हैं, ठीक है जी, टीवी देखते हैं, रीड करते हैं बुक को, या किसी स्पीकर की स्पीक सुनते हैं, किसी को सुनते हैं, ठीक है, समवन किसी की टॉक को सुनते हैं, तो उसको क्या है देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, हम टीवी देख रहे हैं उसको देख रहे हैं और उसको हम अपने माइंड में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है जी, और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसमें भी। ठीक है, मैं एक सीनरी देख रही हूँ। ठीक है जी, एक सीनरी है और उसको देखने के बाद मैं क्या कह रही हूँ, आई एम सीइंग दिस सीन। ठीक है जी, मैं ये सीन देख
देख रही हूँ, ठीक है जी, विच वुड इम्प्लाई दैट सेल्फ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ और किसके थ्रू देख रही हूँ, मैं आईज के थ्रू उस चीज़ को देख रही हूँ। तो आई यहाँ क्या है, टूल है, ठीक है जी, बॉडी का एक टूल है जिसको हम यूज कर रहे हैं अपनी देखने में, ठीक है जी, आई की एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। आई बींग इंजॉयर, ठीक है जी, जब मैं किसी सीन को देख रही हूँ, किसी इमेज को कैप्चर कर रही हूँ, तो वहाँ पर आई ही होती है जो सिर्फ देखती है या कुछ करती है, ठीक है जी, जो आई होती है वही डिसाइड करती है, अप्रिशिएट करती है, इंजॉय करती है, जो पिक्चर है हमने देखी है वो क्या है, उसको आई, हम अपने अंदर, हमने एक पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर है, हम उसको देख रहे हैं, उसको इंजॉय कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इसने कितनी अच्छी पिक्चर बनाई, तो वो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको पता चल गया ना इन तीनों में, आई बींग सीयर्स, ठीक है, आपको सारा पता चल गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, जो हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में हम यही टॉपिक कर रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग द को एग्जिस्टेंस बिटवीन आई एंड बॉडी, ठीक है। तो ये पूरे जो मैंने 2-3 लेक्चर पहले दिए हैं, ये सारा उसका कंक्लूजन निकला है, सारे डिस्कशन करके हमने ये कंक्लूड किया है कि जो आई एंड बॉडी है वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि आई ने जो है वो सिलेक्ट करना है, डिसीजन लेना है कि उसने क्या करना है, और बॉडी ने वही जो डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आपको भूख लगी है तो आप फूड खाना है आपने, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी आई होगी जो डिसाइड करेगी कि आपने क्या खाना है, आप चूज़ करोगे कि आप क्या खाना है। जब आपने चूज़ कर लिया तो फिर आप क्या है, अपने हैंड यूज़ करोगे अपने उसको फूड को माउथ तक ले जाने के लिए, फिर टीथ यूज़ करोगे फूड को चुबाने के लिए, तो ठीक है, दोनों आई एंड बॉडी की प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट थी, तो ठीक है ना। तो यह हम कंक्लूड यही करते हैं कि आई एंड बॉडी जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर पूछ लेना। थैंक यू क्लास।